Welcome to Vingro.com. Today we are going to study a very important topic in statistics called chi-square test for goodness of fit for Poisson distribution. तो गुडनेस ऑफ फिट जो एप्लीकेशन है chi-square test की, उसका जो सबसे पहला वीडियो आप जरूर देखें जिसमें सारी चीज अच्छे से क्लियर बताई गई है। तो chi-square test का जो फॉर्मूला था वो सेम रहेगा, है ना, गुडनेस ऑफ फिट में सभी के लिए। अब बस यहाँ पे दिक्कत क्या आती है कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो chi-square टेस्ट के हम जितने वीडियो देखे हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन गुडनेस ऑफ फिट के लिए, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन गुडनेस ऑफ फिट के लिए, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका अलग अलग रहता है, ठीक है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी या थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं उसको हम। तो इस वीडियो में हम देखेंगे जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी वो पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से निकालते हैं। तो इसको हम एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या बोला है, इन द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ऑफ ए बैंक 100 अकाउंट्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम एंड एग्जामिन फॉर द एरर द फॉलोइंग रिजल्ट्स वेयर ऑब्टेंड। तो देखिए जो ई की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 2.71828 होती है, ठीक है। तो ई की वैल्यू होती है कॉन्स्टेंट 2.71828 होती है, तो इसको आप डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, है ना, तो 1 अपॉन ई हो जाएगा। तो e की वैल्यू 2.71828 होती है, तो 100 को मैंने क्या करा, इस वैल्यू से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो कितना आ गया 36.787, और यहां बचेगा 1 की पावर x अपॉन में x फैक्टोरियल। अब मैं क्या करूंगा, x की जगह 0 से लेकर 6 तक वैल्यू रखूंगा यहां पे, तो मुझे क्या मिल जाएगी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मिलती जाएगी, है ना, किसके करस्पॉन्डिंग, 0 से लेकर 6 के करस्पॉन्डिंग। तो देखिए मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं यहां पे, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ x = 0, x की जगह 0 रखा, तो कितना आएगा देखिए 36.787। अच्छा मैं 1 की पावर 0 1 होता है, है ना, 1 की पावर 0 मैं मल्टीप्लाई में लिख देता हूं, 1 की पावर 0 0 और 0 फैक्टोरियल, सॉरी 1 की पावर 0 1 होता है और 0 फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है। तो यहां कितना बचेगा 36.787, ठीक है। नेक्स्ट अब मैंने रखा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, मैंने कितना रख दिया 1 रख दिया, है ना, x की जगह 1 रखा, तो ये कितना होगा 36.787 मल्टीप्लाई में, अब देखो 1 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, तो 1 की पावर 1 1 होता है, 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई 36.787 आ गई, ठीक है। ऐसे मैंने अब निकाला एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 2 के लिए, तो x तो देखिए 2 के लिए निकाल दिया था मैंने, इस इक्वेशन में x की जगह मैंने 2 रख दिया, तो यहां कितना आएगा 36.787 मल्टीप्लाई में 1 की पावर 2 अपॉन में 2 फैक्टोरियल। अब 2 फैक्टोरियल होता है 4 और 1 की पावर 2 1, तो ये 36.787 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा, तो जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो इसकी वैल्यू आएगी 18.39, इसकी वैल्यू आएगी कुछ 18.39 आएगी, ठीक है। ऐसे सिमिलरली जब मैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालूंगा 4 के करस्पॉन्डिंग, तो हम देखते हैं वो कितना आता है 3 के करस्पॉन्डिंग, तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू 3, तो ये कितना होगा 36.787 मल्टीप्लाई में, ये होगा 1 की पावर 3 अपॉन में 3 फैक्टोरियल। अब 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 होता है, तो 36.787 डिवाइड किससे करेंगे, 6 से, दैट इज कितना होगा 36.787 डिवाइडेड बाय, जब मैंने 6 किया तो इसकी जो वैल्यू है वो आएगी 6.13, ठीक है, आएगी 6.13। जब मैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालूंगा x equals to 4 के लिए, तो कितना होगा ये 36.787 मल्टीप्लाई में 1 की पावर 4 अपॉन में 4 फैक्टोरियल। अब 4 फैक्टोरियल होगा 24, तो क्या होगा यहाँ पे 36.787 को डिवाइड किससे कर देंगे 24 से, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, जब मैं 24 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 1.53, ठीक है। ऐसे ही एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी x equals to 5 जब मैं निकालूंगा तो कितना होगा 36.787 इस वाले फॉर्मूले में मल्टीप्लाई में 1 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल होता है 120, तो यहां पे कितना होगा 36.787 को हम डिवाइड किससे कर देंगे 120 से, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे यहां पे 0.3, ठीक है। ऐसे जब मैं निकालूंगा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 6 के करस्पॉन्डिंग, तो ये कितनी आएगी 36.787 मल्टीप्लाई में 1 की पावर 6 अपॉन में 6 फैक्टोरियल। अब 6 फैक्टोरियल होता है 720, तो 36.787 को डिवाइड किससे करेंगे अपन, 720 से डिवाइड करेंगे, तो 720 से जब डिवाइड किया तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.051, ठीक है। अब देखिए हम यहां पर थोड़ी अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेंगे,
जैसे 36.7 है तो ये किसके अप्रोक्सीमेट हो जाएगा 37, ऐसे ये भी किसके अप्रोक्सीमेट होगा 37, अब ये 18.3 है तो अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा ये 18 हो जाएगा, ठीक है, ये 6.13 तो अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा 6। अब इन सबको मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, बताऊंगा क्यों नहीं कर रहा चेंज, ठीक है। तो ये सारी क्या है हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ गई। अब हम क्या करेंगे, इन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को कायम रख देंगे इस एफ टी के कॉलम में रख देंगे। तो देखो मैंने रख दिया 37, 37, 18, 6, 1.53, 0.05, 0.05। अगर आती है तो हम क्या करते हैं उसकी पुलिंग करते हैं ना, उसको आगे वाली या पीछे वाली फ्रीक्वेंसी से एडअप करते हैं, ठीक है। और उस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम का लॉस होता है, वो कैसे होता है हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 1, 2, 3 ये तीनों फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, 5 से छोटी आ रही है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों फ्रीक्वेंसी को इनके पहले वाली फ्रीक्वेंसी 6 से जोड़ देंगे, जिससे देखो इन तीनों का सम 5 से बड़ा तो हो नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे इन तीनों को पहले वाली फ्रीक्वेंसी 6 से जोड़ देंगे, जिससे सम क्या हो जाएगा इनका 5 से बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे इन चारों वैल्यूज को एड अप कर देंगे। तो जब मैं इनको एड अप करूंगा तो इनका जो वैल्यू का टोटल है वो आ जाएगा 7.881, है ना, वो कितना आएगा यहाँ पे 7.881, तो जो अप्रोक्सीमेटली वो कितना हो जाएगा 8 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। मगर जब आप एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इन चारों को जोड़ोगे तो आपको जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग उनको भी क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। तो इनका सम कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू कितनी बची, एफ ओ माइनस एफ ही करा, 36 माइनस 37 माइनस 1, 40 माइनस 37 3, 90 माइनस 18 1। अब यहाँ पे क्या लिखी होगा, 5 में से 8 माइनस होगा तो यहाँ कितना आ जाएगा माइनस का 3, ठीक है। अब हम इसका स्क्वायर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर 9। अब मेरे को डिवाइड करना है तो एफ ओ माइनस एफ ई का जो स्क्वायर है वो डिवाइड किससे होगा, एफ ई से डिवाइड होगा। तो इसका मतलब 1 किससे डिवाइड होगा यहाँ पे, अगर हम देखें 1 तो 1 डिवाइड किससे होगा 37 से, ठीक है। तो जब 1 को मैंने 37 से डिवाइड किया तो उसकी वैल्यू आएगी 0.027। ऐसे 9 को डिवाइड किया मैंने 37 से तो इसकी वैल्यू आएगी 0.243, उसकी वैल्यू आएगी 0.243। फिर ऐसे मैंने 1 को डिवाइड किया 18 से तो जब 1 को आपने 18 से डिवाइड किया तो इसकी वैल्यू आएगी 0.055। और ऐसे जब आपने 9 को डिवाइड किया, अब 9 किससे डिवाइड होगा यहाँ पे, एफ ही कितना 8 है तो 9 को डिवाइड किया 8 से तो इसकी जो वैल्यू है वो आएगी 1.125 आएगी वैल्यू, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इसका टोटल लगा देंगे, तो टोटल लगाओगे तो क्या होगा, देखो समीशन ऑफ एफ ओ माइनस एफ ई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ ई, इसको जब मैंने जोड़ा इसका सम करा तो सम करने पे इसकी वैल्यू आ रही थी 1.45, ये वैल्यू आ रही थी 1.45, ठीक है। तो हमारा जो काई स्क्वायर है उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, तो काई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 1.45 आ गई। अब बस यहाँ ध्यान रखना, डिग्री ऑफ फ्रीडम में गलती नहीं करना है, बहुत ध्यान रखना है, मैं आपको बता रहा हूँ पॉजर डिस्ट्रीब्यूशन में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है हम निकालते कैसे, उसको एन माइनस टू से निकालते हैं। क्यों निकालते, उसका रीजन है एक डिग्री ऑफ फ्रीडम लॉस होती है लीनियर कंस्ट्रेंट में, क्योंकि सबमिशन एफ और सबमिशन एफ ई का सम बराबर रहता है ना, तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम वहां लॉस होती है। दूसरी डिग्री ऑफ फ्रीडम लॉस होती है क्योंकि जो हमारा डेटा रहता है उससे हम मीन निकालते हैं, मीन को एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम पॉजा में लॉस होती है, इसलिए फॉर्मूला क्या होता है पॉजा डिस्ट्रीब्यूशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एन माइनस टू होता है, ठीक है। अब एन हमारे केस में कितना है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, तो कितनी है यहाँ पे देख लो आप जरा, 7 फ्रीक्वेंसी है 0 से लेकर 6 तक, तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं 7 माइनस 2 इक्वल्स टू 5। बट अब ध्यान रखना है कि हमने यहाँ पे क्या करा, फ्रीक्वेंसी की पुलिंग करी है, मतलब फ्रीक्वेंसी को जोड़ा है। तो जब भी हम फ्रीक्वेंसी की पुलिंग करते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम लॉस्ट होती है, तो वो कैसे लॉस्ट होती है हम ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे देखो 3 फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, 5 से छोटी आ रही है, 3 फ्रीक्वेंसी 5 से छोटी आ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम लॉस हुआ जब मैंने इन चारों को जोड़ा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 5 में से कितना माइनस करेंगे, 3 माइनस कर देंगे, मतलब जितनी वैल्यू 5 से छोटी आ रही है ना
जब हम पुलिंग करेंगे तो उतने डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे तीन वैल्यू पांच से छोटी थी तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम और लॉस होगा, तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा यहाँ पे फाइनल 5-3=2 हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो हम कैलकुलेटेड वैल्यू देखें काई स्क्वायर की 5% लेवल और 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे हमारी वैल्यू कितनी आई 1.455। टेबल की वैल्यू आपको दी रहती है या आप वीडियो नंबर 1 देख सकते हैं जिसमें आपको बताया टेबल वैल्यू कैसे देखते हैं काई स्क्वायर की। ठीक है, तो टेबल की वैल्यू दी है तो कितनी हो काई स्क्वायर की वैल्यू 5% लेवल और 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे ये आपको देख रहे 5.991। ठीक है, तो अगर हम डिसीजन देखें यहां पे क्या लेना है हमें, तो हम क्या करेंगे जो काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू है ठीक है उसको कंपेयर किससे करेंगे काई स्क्वायर की टेबल वैल्यू से। तो देखो काई स्क्वायर की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो आ रही है 1.45 और टेबल वैल्यू आ रही है 5.991। तो हम क्या देखते हैं टेबल वैल्यू छोटी है कैलकुलेटेड वैल्यू छोटी है टेबल वैल्यू से, इसलिए हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे। दैट मींस हम ऐसा भी कह सकते हैं कि नल हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट करेंगे, और इसका मतलब क्या होगा जो एरर है वो अकॉर्डिंग टू पॉजर लॉ क्या हो रहे हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहे हैं, मतलब जो पॉजर डिस्ट्रीब्यूशन है वो डेटा पे सही से फिट हो रहा है। ठीक है, तो ये वीडियो था हमारा काई स्क्वायर टेस्ट गुडनेस ऑफ फिट फॉर पॉजर डिस्ट्रीब्यूशन।